पेज नंबर 9 एंड अंडरलाइन द हेडिंग दैट आवर स्वीट होम. आई होप ऑल ऑफ यू डन. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द आवर स्वीट होम. घर घर कौन सा जिसमें हम रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ जहाँ पे हम रहते हैं दैट इज कॉल्ड आवर स्वीट होम. तो स्वीट होम इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने यहाँ कहा पे द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर होम. वो घर जहाँ पे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम अपना घर. द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली मेंबर इज कॉल्ड. तो ये हो गया डेफिनेशन. Our sweet home. The house in which we live with our family is called a home. Living together teaches us to love our family members and care for them. It also teaches us to share work and things with them. Inside a home. A home has many rooms. Each room has different things and uses. Drawing room, kitchen, dining room, bedroom, study room, bathroom, storeroom, toilet. आप लोग भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही रहते हैं. यू पीपल आर लिविंग टुगेदर. यू लव ईच अदर. यू प्ले विद योर फैमिली मेंबर. यू प्रोटेक्ट बाय योर फैमिली मेंबर्स. तो ये सब जो होता है वो अपने घर पे ही होता है. तो वो जगह जहाँ पे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं वही हमारा घर हो गया, आवर स्वीट होम, राइट. एंड इट इज अ प्लेस विच आल्सो टीचेस अस टू शेयर वर्क एंड थिंग्स टू ईच अदर. यहाँ पे अपने घर में हम एक दूसरे का काम शेयर करना भी सीखते हैं और साथ ही साथ हम एक दूसरे का जो सामान है वो भी शेयर करना सीखते हैं. मतलब गिविंग एंड शेयरिंग जो चीज़ें हैं ना वो हम अपने घर से ही सीखते हैं. अगर आप अपनी प्रीवियस बुक के पेज नंबर 9 पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं चार्ट बनी हुई है जिसमें आपको लिखा हुआ राइट द नेम्स ऑफ योर डिफरेंट रूम्स इन योर होम. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ये है बेडरूम, ठीक है, दिस इज द पिक्चर्स ऑफ योर बेडरूम. देन इट इज द पिक्चर ऑफ योर टॉयलेट. देन इट इज द पिक्चर्स ऑफ योर ड्राइंग रूम. देन इट इज द पिक्चर्स ऑफ योर डाइनिंग रूम. इट इज द पिक्चर्स ऑफ योर स्टोर रूम. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर किचन. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर स्टडी रूम. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर बाथरूम. तो ये कुछ कुछ पिक्चर्स हैं. तो आपके स्टोर रूम, स्टडी रूम, बाथरूम ये सारे हैं, कोलैप्स हैं. तो ये आपको डायरेक्ट अपने बुक में भी लिखना है कि कौन कौन सा पिक्चर्स है. सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं. जस्ट टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस एंड वो आपको अपने बुक में करना है. तो ये पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 9 का ये हो गया. तो यहाँ पे हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब घर के बारे में बात कर रहे हैं. वहाँ पे किस किस के साथ रहते हैं तो हम ये रिलेशंस के बारे में जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो घर में उसमें कौन कौन से रूम्स हैं. तो रूम्स की लिस्टिंग्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है. A good home. A good home makes our life comfortable and healthy. A good home should be properly ventilated. It should have windows and doors for proper ventilation. A good home should allow sunlight and fresh air to come in. It is important to let sunlight and fresh air in as they kill germs in our home. The windows and the doors should have proper wire netting to keep away flies and mosquitoes. A good home should have proper drainage system. Topic kya aa raha hai, a good home. The next topic kya aa raha hai, a good properly
ventilated like this, it should have the window and doors for the proper ventilation. अब ventilation का मतलब क्या होता है? Ventilation का मतलब होता है हवा का आगमन। जैसे जो घर में देखना वो खुले हुए बड़ी बड़ी खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं, हमेशा फ्रेश एयर वहां से आता जाता रहता है, दिस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। यहाँ ऊपर खिड़की नहीं होता तो छोटे छोटे गोले बने होते हैं, आप घर में देखना वेंटिलेशन के ऊपर से गोला बना रहता है जिससे हवा जो है फ्रेश एयर जो है वो आना जाना कर सकता है। तो गुड हेल्थ का फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? वो होम जहाँ पे विंडोज एंड डोर्स बने हुए वहाँ पे हवा जो है वो आना जाना कर रहा है, फ्रेश एयर यू हैव, तो दैट इज नोन एज अ गुड होम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर गुड होम, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। ये हो गया डेफिनेशन नंबर वन। अब आता है सेकेंड, अ गुड होम शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एज दे किल जर्म्स इन आवर होम। सो गुड होम का जो सेकेंड डेफिनेशन है उसमें ये है कि जो भी गुड होम है वहाँ पे ये देखना चाहिए कि प्रॉपर सनलाइट आ रहे कि नहीं। जैसे सूरज उगता है तो आपका फ्रेश एयर के साथ सनलाइट आनी चाहिए। सनलाइट्स में रोशनी इतनी तेज होती, गर्माहट इतनी तेज होती है, जर्म्स जो है वो पनप ही नहीं पाते, तो संभव ये वो किल हो जाते हैं। तो गुड होम में ये है कि हमेशा सनलाइट एंड फ्रेश एयर जो है वो आना जाना करना चाहिए, जिससे जिससे वो जर्म्स को किल कर सके। तो एक हो गया प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक, और सेकेंड जो हो गया प्रॉपर सनलाइट, ये दोनों चीजें जो है गुड होम के लिए जरूरी है। तो अब थर्ड इम्पोर्टेंट चीज क्या है? थर्ड इम्पोर्टेंट चीज होती है जो भी गुड होम है, द विंडोज एंड डोर शुड हैव द प्रॉपर वेयर कोटिंग टू कीप अवे फायर्स एंड मॉस्किटो। तो जो भी आपके गुड होम्स होंगे उसमें वेयर कोटिंग प्रॉपर है। वेयर कोटिंग क्या बोलेंगे? तो तार की जालियां, खिड़की में या दरवाजों पे तार की जालियां लगी होती है, होते हैं जो मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, दे आर नॉट इजीली एंटर। बहुत इजीली वो क्या हुआ, रूम्स में एंटर नहीं कर सकते। रूम्स में एंटर नहीं करेंगे तो संभव आपको काटेंगे भी नहीं, आपका घर सुरक्षित रहता है। तो गुड होम्स में ये जो है थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर वेयर नेटिंग, ये होना ही चाहिए। अब सेकेंड ऑल इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट चलो फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, अ गुड होम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो गुड होम के डेफिनेशन में ये भी आता है कि जो भी गुड होम होगा उसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा? जो भी किचन का वेस्ट है, शावर्स के वेस्ट है या यूटेंसिल के वेस्ट है, ये प्रॉपर एक तरीके से घर से बाहर निकल जाए। नालियां बनाते हैं इसको प्रॉपर तरीके से वो वहां से निकल जाए, तो दिस इज द थिंग, ये होना ही चाहिए। कि गुड होम में चार चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या हो गया? वेंटिलेशन, राइट। सेकंड जो हो गया, लेट द सनलाइट इन एंड फ्रेश एयर इन। थर्ड जो हो गया, प्रॉपर वेंटिलेटिंग। एंड फोर्थ जो हो गया, दैट इज प्रॉपर ड्रेनेज। ये चार जो इंपॉर्टेंट है वो गुड होम की डेफिनेशन है और ये उनको होना ही चाहिए, राइट। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल्स इन आवर।